नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने बतौर हीरो मैंने प्यार किया से डेब्यू किया और आज वो बॉलीवुड के कहें कि भाईजान कहलाते हैं, पूरे बॉलीवुड में उनका डंका बजता है। ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी जो उनके 100 करोड़ को छू ना पाए। मैं बात कर रही हूँ सलमान खान की। उनकी कुंडली को हम डिस्कस करेंगे, उनके पर्सनल लाइफ से लेके उनके करियर के हर पहलू को हम जानेंगे, उनके फ्यूचर को लेकर हम बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद है देविज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी ज्योतिर्विद जी। और आइए इनसे जानते हैं कि अब क्या कहते हैं सलमान खान के सितारे। सर, क्या कहते हैं सलमान खान की कुंडली, क्या कहती है? जी नमस्कार। सलमान खान की जो कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है और राशि जो है इनकी वो कुंभ राशि है। ग्रह की दशाएं जो लगी हुई हैं वो राहु दूसरे स्थान में बैठे हैं, गुरु तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, केतु और बुध जो है अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, भाग स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं, दशम स्थान में शुक्र और मंगल बैठे हुए हैं और एकादश स्थान में चंद्रमा और शनि बैठे हुए हैं। वर्तमान में जो दशाएँ लगी हुई हैं वो शनि की दशा है और गुरु का अंतर चल रहा है। इनकी कुंडली के अनुसार अभी जो समय चलता है आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्नता वाला चल रहा है, बेहतरी वाला चल रहा है। इनके भाग्य को लेकर अभी काफ़ी अच्छा है समय, कुंडली इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। एकादश स्थान में जो ग्रह बैठते हैं, लिखा है कि एकादशेश जो हैं, एकादशेश भी इनके शनि है और एकादश स्थान में बैठे हैं, तो इसमें प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, इसमें नए रोग का सृजन होता है और माता पिता को शारीरिक परेशानी होती है या मृत्यु तुल कष्ट होता है। तो इनका अभी जो समय चल रहा काफ़ी बेहतर चल रहा, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य होगा, आप देखेंगे कविता जी, पहले से सलमान खान का जो चेहरा है, जो रंग है, पहले से कुछ डाउन हुआ है, कुछ मध्यम हुआ है। आज 2, 4, 5, 7, 10 साल पहले जाएं और आज देखें तो उनके चेहरे के का जो कलर है, चूँकि शनि जो है ना वो काले हैं, शनि जिसके जीवन में आते हैं वो डार्कनेस दे देते हैं, तो इनको आर्थिक दृष्टिकोण से सब संपन्नता देंगे, निम देंगे, फेम देंगे, चूँकि ग्रह जहाँ बैठते हैं वहीं का प्रभाव देते हैं। तो लाभे सर्वे ग्रह प्रशस्ता, लाभ स्थान में बैठे हुए ग्रह जो है काफ़ी लाभकारी होते हैं। और त्रिखंड एकादशी राहु, त्रिखंड एकादशी शनि, त्रिखंड एकादशी भूम, एकादश स्थान के जितने ये तीन ग्रह हैं वो दुनिया में सारे सुख संपदा को देने वाले होते हैं और सारे अरिष्ट को दूर करने वाले होते हैं। तो इनके ऊपर जो कोई आरोप प्रत्यारोप भी लगा है, जैसे जयपुर वाला हिरण वाला कांड है या जो भी है, उनसे इनको करीब करीब सब छुटकारा मिल जाएगा और इनका समय जो है काफ़ी बेहतर है और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर करते चले जाएंगे। लेकिन अब अगर उनके हम बात करें, उनके करियर को लेकर बात करें, तो पिछली उनके कुछ फिल्म्स ज़्यादा इतनी बॉक्स ऑफिस पे इतनी धमाल नहीं मचा पाई, हालांकि भारत ने भी अच्छी खासी कमाई की। और अब जो इनकी आने वाली फिल्में हैं उसको लेकर कैसा रहेगा उनका ये? जी अगर फिल्म के आर्थिक दृष्टिकोण से और बात की जाए तो इनकी जो भी मूवी आएगी वो इनको लाभ ही देकर जाएगी, उसमें कमी नहीं रहेगी, दर्शक भी देखेंगे, दर्शक भी इनको पसंद करेंगे, क्योंकि ये चलचित्र मूवी के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। यही कारण है कविता जी कि शुक्रवार के दिन मूवी जो है मुंबई में रिलीज होता है और इनके शुक्र जो हैं ये दशम स्थान में बैठे हुए हैं और अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा अच्छा है और ये काफ़ी बेहतर करेंगे। और दशम स्थान में उच्च के मंगल है, तो उच्च के मंगल होने के कारण ये भी देखिएगा काफ़ी सख्त है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ये एकदम हार्ड वर्किंग वाले हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का भी ये देखते हैं कि इनके नाम का लोग कई सारे जिम खोल के रखे हैं, एक तो नवयुवकों में तो एक प्रेरणा स्त्रोत्र बने हुए हैं। इसी के कारण मंगल जो है इनके उच्च के हैं, उच्च के होने के कारण जातक जो है वो प्रशासनिक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अच्छा करता है, एक्टिंग ठीक करता है और मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है बेहतर करता है। दशम स्थान के मंगल जो है इनको भी भविष्य में राजनीति की तरफ लाएगा और उसमें भी बेहतर करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी जो कि सलमान खान एक्टिंग में है, मतलब एक्टिंग वाली फिल्म में बॉलीवुड में उनका डंका बजता है, लेकिन यहाँ से वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या आपको सब दिख रहा है?
हाँ 2021 के बाद ये बता रहा है, ये कहीं कभी ना कभी ये जीवन में निश्चित रूप से पॉलिटिक्स से जुड़ेंगे, जिसमें इनको प्रमुख और महत्वपूर्ण चीज दिया जाएगा, जिसमें एज ए सेनापति के रूप में, सैनिक के रूप में उसको एक बेहतर जो है दशा और दिशा दे सकें। जैसे कि हाल फिलहाल में बड़े बड़े मतलब कई ऐसे ऐसी चीज़ें देखी हैं कि बॉलीवुड के कई स्टार्स ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, कईयों का करियर बहुत ही हाई पे गया है, कईयों का डाउन गया है। तो एक तरफ उर्मिला मातोंडकर थी जिन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया लेकिन वो हार गई, तो दूसरी तरफ सनी देओल है जिन्होंने बीजेपी से टिकट लिया और वो जीत गए। लेकिन ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि जो कि आपने कहा कि 2021-22 के बाद क्या पता सलमान खान भी पॉलिटिक्स में आ जाए, लेकिन अगर वो सलमान खान अगर पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं राजनीति में, क्या उनका सिक्का चमकेगा? एकदम बिल्कुल चलेगा उनका, चूंकि इनके मंगल जो हैं और शुक्र जो हैं ये दशम स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये जहाँ भी रहेंगे जो भी करेंगे, आप देखिए छोटा सा उन्होंने बिंग ह्यूमन जो है एक स्टार्ट किया एनजीओ, आप देखिए कितना आज उसका जो हम तो देखते हैं कि 10-20 बच्चे में एक ह्यूमन बिंग ह्यूमन का टी शर्ट पहने रहते हैं। तो ये जो भी काम करेंगे उसमें निश्चित रूप से इनको अच्छा मुकाम मिलेगा। मात्र इनके लिए जो है इनके पिता को लेके, पिता की तबीयत को लेके, माता की तबीयत को लेके, उनके दोनों को सेहत को लेके थोड़ी परेशानी बनी हुई है, और इनकी चूंकि ये भी दिनचर्या इनको अपने ठीक से रखना होगा, ये जीवन को अपने ढंग से जीते हैं उसको थोड़ा सा आपको उसके जीवन की नियमावली के अनुसार थोड़ा जीना होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य संबंधित सलमान खान को खुद भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है और दूसरी तरफ उनके माता पिता को भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर बात करें विवादों को, क्योंकि ऐसा कई बार आए कि हमेशा विवादों में तो सलमान खान रहे हैं और उन पे कई धाराएं, कई मामले भी चल रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है कि उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, किसी बड़े मामले में फंस सकते हैं, विवादों में दोबारा आ सकते हैं? देखिए है क्या, चूंकि ये विवाद में रहना नहीं चाहते, चूंकि धरती के सबसे नज़दीक के जो ग्रह हैं कविता जी वो चंद्रमा है, और चंद्रमा के साथ जो है शनि बैठे हुए हैं, तो ये एक विषयोग बना दिया है, तो शरीर में मस्तिष्क जो है और वही जो है आपके विचार को देता है, उसी को आप काम करते हो, वहीं थोड़ा सा दूषित हो गया, तो ये जल्दी में, ये बहुत भावुक हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ये जल्दी में कुछ बोल देते हैं जिसका इनको रिएक्शन देखने को मिलता है, उस पर थोड़ा इनको संयमित रहना पड़ेगा, अदरवाइज इनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और ये लाख कंट्रोवर्सी में रहेंगे, जितने कंट्रोवर्सी में रहेंगे उतना इनका बड़ा कद होगा। यानी कि जितना ज्यादा कंट्रोवर्सीज में सलमान खान से जुड़ी रहेंगी उतना ज्यादा उनका दिन पर दिन उनका कद बढ़ता जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की, उनकी निजी जिंदगी की, क्योंकि उनकी निजी जिंदगी में भी अक्सर मीडिया में जो बातें सामने आती हैं उथल पुथल रही है। शुरुआत से ही उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें रही हैं उथल पुथल रही, ये कहें तो ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ, जो कि अभी वो बैचलर हैं, तो ऐसे में शादी के योग उनकी कुंडली में कब बन रहे हैं? जी देखिए, इनके पत्नी भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वो काफ़ी बेहतर हैं, और शुक्र और मंगल इनके दशम स्थान में बैठे हुए हैं, तो इनको पत्नी का सुख तो है ही, लेकिन इनके जीवन में लगता है कि पहली शादी से संबंधित या कुछ परेशानी हो गई, जिनको प्रेम मोहब्बत करते थे, जिनको मानते थे, तो इसके कारण वहाँ से थोड़ा दुराव हो गया, लेकिन इनके जीवन में हमेशा जो सुंदरियों का हमेशा समावेश रहेगा, हमेशा उनके इर्द गिर्द रहेंगे, और पत्नी की कमी कभी खलेगी नहीं, बस इनको सिंदूरदान करने की जरूरत है और शादी करने की जरूरत है। यानी कि तो आपने सही कहा, क्योंकि लिंकअप्स सलमान खान के साथ हीरोइंस के लिंकअप्स तो आए दिन आते रहते हैं, लेकिन जो कि आपने कहा कि उन्हें पत्नी सुख भी है उनके योग में, तो लेट्स सी कि ये तो देखना दिलचस्प होगा कि फ्यूचर में अब आने वाले कल में सलमान खान की शादी कब होती है, और ये इसका इंतज़ार सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि सभी लड़कियों को और हमारे तमाम दर्शकों को इसमें भी दिलचस्पी होगी कि आखिरकार सलमान खान कब शादी करेंगे। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। नमस्कार। देखो ये जो किरदार है ये मेरे एज के आसपास है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जो किरदार है मैं काफी अर्से पहले इसको भूल गया था, तो इसको वापस एक रिसर्च करना पड़ा मेरी खुद की जिंदगी में जाके पुरानी पिक्चर देख कर, और फिर धुंधला सा मुझे कुछ याद आ रहा था अपना बचपना, उसमें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। उसका चाल, यू नो, द वे, द वॉक, द स्वैग, द एनर्जी, वो सब 20 साल पहले से का था, वो वापस से लेके आना पड़ा। मेरा सवाल अतुल जी और भूषण जी दोनों से है। स्ट्रेट ऑन द लेफ्ट।
And we'll go slow with the question. They pura complete. घंटे दो घंटे तीस मिनट. लेकिन 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 फिल्म 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 में लंबा है. 70 साल की जर्नी यहाँ पे सिर्फ दो घंटे तीस. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सोने में सुहागा का काम करेगी? हम तो यही उम्मीद करते हैं. हम तो यही उम्मीद करते हैं. हारा तो हार नहीं सकता कभी.